शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने गृह विभाग नागपुर में झिंगाबाई टाकली और खापरखेड़ा में बहु करोड़ भूमि लेन देन की जांच करने के निर्देश दिए। नागपुर के वकील सतीश उके ने आरोप लगाया है कि भूमि संगठन को दी गई थी। सतीश उके ने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मौजा झिंगाबाई टाकली में खसरा नंबर 291 में 5.75 एकड़ जमीन रामदेव बाबा पब्लिक कमेटी नाम के एक निजी संस्था को दी गई थी। यह जमीन पुलिस विभाग की है और इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा खापरखेड़ा में खसरा खेड़ा नंबर 66.87 में कोराड़ी में 10 एकड़ जमीन पर महानिर्मिति मौजा 3 नवंबर 2015 को एक निजी संगठन भारतीय विद्या भवन को दी गई थी। सतीश उके ने शिकायत दर्ज कराई है। इन सभी भूमि लेन देन को एक व्यक्तिगत संबंध में किया गया है और नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है। सतीश उके यांनी जी तक्रार केलेली आहे त्या तक्रारीचं त्याच्यामध्ये पोलिसांची जागा ती एका प्रायव्हेट संस्थेला देण्यात आलेली आहे आणि एक मोठं त्याच्यामध्ये या जमीन घोटाळा पुढे येत आहे। विशेष करून गृहमंत्र्याला आणि गृहमंत्रालयाच्या वतीनं या सगळ्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश आम्ही त्यांना देतो आणि तातडीने याच्यातली चौकशी करून सत्य जे असेल ते पुढं आणून योग्य कारवाई करावी अशा सूचना दिल्या।